टेबल बनाना सीखेंगे HTML में। समटाइम्स इन वेब पेज इट इज़ नेसेसरी टू रिप्रेजेंट द डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। HTML ऑल्सो फैसिलिटेट्स इन डिस्प्लेइंग टेबल्स ऑन अ वेब पेज। तो हम लोग टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को HTML टैग देना है, हेड देना है, टाइटल देना है। हमने टाइटल में लिखा है टेबल, ये हमारे टाइटल बार में आएगा। हेड को हमने क्लोज़ किया है। बॉडी से स्टार्ट करेंगे, मेन कंटेंट्स हमारा बॉडी में दिखाता है। इसका कलर हमने चेंज किया है येलो। हम टेबल को चाहते हैं कि वो हमारे स्क्रीन के सेंटर में आए, इसीलिए हमने सेंटर टैग दिया है। टेबल स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले देते हैं टेबल टैग। टेबल बना होता है डिफरेंट डिफरेंट रो से। पहला रो हमारा स्टार्ट हुआ TR, फुल फॉर्म टेबल रो होता है, TD का टेबल डेटा। पहला रो का पहला डेटा हम लेते हैं रोल नंबर। फर्स्ट डेटा को क्लोज किए, फिर सेकंड डेटा उसी रो का सेकंड डेटा हम लेते हैं नेम। उस डेटा को हम क्लोज करते हैं टेबल डेटा को। उसके बाद सेम इस वाले रो में ही हम तीसरा डेटा लेते हैं, वो है मार्क्स। फिर हम इसे क्लोज करते हैं। और हमारा अगर मान लीजिए पहला रो कंप्लीट हो गया है तो हम टेबल रो को भी क्लोज करते हैं। यहाँ ओपनिंग टैग है, ये यहाँ पे क्लोजिंग टैग है। अब हम क्या करेंगे, हमें सेकंड रो बनाना है तो हम मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और उसको पेस्ट कर लिया है। तो ये सेकंड हमारा रो स्टार्ट हुआ है, इसमें डेटा हमने लिया है 01 फर्स्ट। दूसरा डेटा हमने लिया है नेम दिया है रोशन। और तीसरा डेटा हमने दिया है मार्क्स में दिया है उसे 78। ये दूसरा रो हमारा कंप्लीट ख़त्म हो गया। अब हम तीसरा रो स्टार्ट करते हैं। हमने सेम कॉपी कर लिया उसे और फिर उसे पेस्ट कर लिया है। फिर हमें टाइपिंग की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ रोल नंबर 2 लिया है, नेम में हमने मोहित लिया है और तीसरे डेटा में हमने 90 लिया है। तो ये हमारा तीसरा रो कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद हमने सेंटर टैग, क्योंकि यहाँ पे था, उसे क्लोज़ कर दिया है और फिर हमारा टेबल क्लोज़ हो गया है। टेबल के बाद हम लोग बॉडी को क्लोज़ करेंगे। बॉडी को क्लोज़ करने के बाद हम HTML अपना क्लोज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा पहला रो जो था रोल नंबर नेम और मार्क्स, वो हेडिंग था। हम चाहते थे यहाँ पे TD की जगह TH यानी टेबल हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो टेबल हेडिंग हुआ हमारा TH, तो TD की जगह उसे हम यूज़ कर लेंगे। और हमने इस पूरे एक टेबल को क्रिएट किया है। और टेबल को क्रिएट करने के बाद हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। फाइल को सेव करेंगे, हमने किया है डेस्कटॉप में अपनी सुविधा के लिए किया है। और फाइल का नाम सपोज़ हमने दिया है टेबल डॉट लिखा और एक्सटेंशन HTML दिया। हम HTML भी दे सकते हैं और HTML। इसे सेव कर लिया, हम इसे अब मिनिमाइज़ कर देंगे। अब हमने देखा डेस्कटॉप पे टेबल नाम का एक आइकन आया है और फिर हम उस पर क्लिक करेंगे। हमने देखा रोल नंबर नेम मार्क्स 01 रोशन 78, 02 मोहित 90, पर इसमें बॉर्डर ही नहीं है। तो यानी हमें इस एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा टेबल में बॉर्डर। बॉर्डर एट्रीब्यूट के द्वारा हम उस टेबल में बॉर्डर ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर ऐड किया है। तो दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू इंसर्ट बॉर्डर इन द टेबल फॉर इट्स ओन रो एंड कॉलम। द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर इज स्पेसिफाइड बाई द वैल्यू ऑफ नंबर। बाई डिफॉल्ट द थिकनेस ऑफ बॉर्डर इज़ 1। इस फाइल को हमने सेव किया, फिर उसे रन किया। तो अब देखेंगे हम, हमारे टेबल में बॉर्डर भी आ गया है। नेक्स्ट कुछ एट्रीब्यूट हम देखते हैं, जैसे सेल पैडिंग एट्रीब्यूट है। सेल पैडिंग एट्रीब्यूट होता है, दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन ग्रिड लाइंस एंड कंटेंट इन द सेल। द स्पेसिंग कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय स्पेसिफाइंग द वैल्यू इन नंबर विद दिस एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हम सेल पैडिंग देते हैं, वैल्यू देते हैं 15
और इसके बाद हम फिर इस फाइल को सेव कर लेंगे। तो ये हमें दिखाता है ग्रिड लाइन और उसके कंटेंट में कितनी दूरी रहेगी। हमने फिर टेबल को ओपन किया है, हम इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कंटेंट और ग्रिड लाइन में अंतर कितना है। फिर एक और एट्रीब्यूट हम देखते हैं, दैट इज़ सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का मतलब होता है दो सेल के बीच में कितना स्पेस होता है। दो सेल क्योंकि ये सेल से मिलके बना है, तो दो सेल के बीच में कितनी दूरी। तो हमने लिया है एट्रीब्यूट सेल स्पेसिंग, ये एट्रीब्यूट टेबल टैग का है और इसका वैल्यू सपोज़ हमने लिया है 10। इस फाइल को हम सेव करते हैं और फिर हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे। यहाँ पे हमने देखा दो सेल के बीच की दूरी, दो सेल के बीच में दूरी है वो हमने दिया है सेल स्पेसिंग से।